बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज उनकी पार्टी की धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हाल ही में कांग्रेस ने पुणे में इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या और उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की सरकार में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिस पर नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, तो ऐसे में उन्हें बीजेपी के शासन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा हो, कहीं पर भी किस तरह की घटनाएं हों, तो उसको किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी सेकुलरिज्म के सूरमा अभी भी चुनाव के फैसलों के बाद भी समझने को तैयार नहीं, आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, और ऐसे तमाम संवेदनशील मुद्दों पर भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नकवी ने कहा कि बीजेपी इस देश में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और वो समाज के हर वर्ग का ध्यान रखेगी। देखिए, पहली बात यह है कि जो लोग भी ब्लेम गेम कर रहे हैं, जो लोग भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक ऐसी सरकार जो सकारात्मक संकल्प के साथ काम कर रही है, उसको अभी बहुत कम समय हुआ है। उसके बाद जो लोग अभी तक 10 सालों तक इस सत्ता में बैठे रहे और सत्ता के सिंहासन से बैठ करके देश की बदहाली और बेहाली का नज़ारा देखते रहे, उन पर आप सवाल पूछना चाहिए। ये थी एनएनएस द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट।